सीसई में हिंदुओं की होली पर्व और मुस्लिम की शबे बारात त्यौहार को लेकर थाना परिसर सीसई में बैठक की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से पर्व से संबंधित शांति को लेकर विचार विमर्श भी किया गया। अंचल अधिकारी अरुणिमा एक्का ने कहा कि होली पर्व एवं शबे बारात त्यौहार यह पर्व शांति सौहार्द से मनाया जाए, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पर्व खुशी का माहौल होता है। किसी प्रकार की लड़ाई हो जाने से खुशी गम में बदल जाती है। साथ ही सभी कोविड 19 के गाइडलाइंस का भी पालन करें एवं सभी लोग मास्क का प्रयोग करें। थाना प्रभारी ने कहा कि होली पर्व और शबे बारात त्यौहार में सभी लोग शांतिपूर्वक मनाएंगे, किसी प्रकार की संदेह पर पुलिस प्रशासन को तुरंत सूचना प्रदान करें, कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। सभी समाज सेवी से आग्रह की गई कि पर्व में शांति व्यवस्था बनाए रखें। इस मौके पर अंचल अधिकारी अरुणिमा एक्का, उप प्रमुख दीपक अधिकारी, सांसद प्रतिनिधि निरंजन सिंह के साथ साथ जवाहरलाल साहू और शकुंतला उराव सब उपस्थित रहे। गई थी वो दो कारणों से बुलाई गई थी। पहला तो ये एक होली मिलन समारोह भी हमको करना था शांति समिति के लोगों के साथ, और दूसरा सबे बारात और होली की शुभकामनाएं भी देनी थी और विधि व्यवस्था समस्या उत्पन्न ना हो इस संदर्भ में लोगों से बात भी करनी थी। सभी लोगों से बात हुआ, सभी लोगों से मैंने अपील किया है कि शांतिपूर्वक होली का त्यौहार मनाएं और सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए, कोविड 19 का खतरा अभी भी मंडरा रहा है, इसीलिए सुरक्षा मानकों को ध्यान में रखते हुए ही होली का त्यौहार मनाना है और दिल मिलना चाहिए, दिल की दूरी ना बढ़नी चाहिए। यही मेरा संदेश है सभी सेवासियों को। होली मुबारक, सबे बारात भी मुबारक सबको। वासी से अपील करना चाहते हैं कि होली और सबे बारात का त्यौहार भाईचारगी से मनाएं, सभी आपस में मिल के खुशी से मनाएं और सिसई का एक मिसाल कायम करें कि हम लोग एकजुट हैं, एक साथ हैं और सभी को इस पर्व का हम शुभ कामना देना चाहते हैं कि होली का बहुत बहुत शुभकामना, शबे बारात का बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद। गुमला से अजीत सोनी की रिपोर्ट।